अकाली दल टकसाली के प्रधान जथेदार रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने नवजोत सिंह सिद्धू की करतारपुर कॉरिडोर में भूमिका की तारीफ की है। जथेदार रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने एसजीपीसी को बादलों के कब्जे से निकालने के लिए जल्दी चुनाव कराने की मांग भी की है। जथेदार रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी बरगाड़ी कांड के दोषियों को बचाने के आरोप लगाए हैं। दोस्तों, आज हम जथेदार रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा की टकसाली राजनीति की बात करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जथेदार रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा की नवजोत सिंह को ऑफर के संबंध में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो अब शुरू करते हैं। कांग्रेस के बागी नेता नवजोत सिंह सिद्धू को अकाली दल टकसाली की ओर से मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की ऑफर मिली है। अकाली दल टकसाली के प्रधान जथेदार रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने में नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी भूमिका रही है। अगर नवजोत सिद्धू उनकी पार्टी में शामिल होना चाहेंगे तो सभी सदस्य नंगे पांव उनको लेने उनके घर जाएंगे। जथेदार रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू सिख कौम के हीरो के रूप में उभरे हैं। रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने अपने निवास पर पत्रकारों से बात करते हुए अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के पद के लिए नवजोत सिद्धू का नाम पेश करने की बात भी कही। पूर्व सांसद डॉक्टर रतन सिंह अजनाला ने कहा कि नवजोत सिद्धू अकाली दल टकसाली में जो भी पद चाहेंगे उनको सौंप दिया जाएगा। इस मौके पर जथेदार रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा बादल परिवार पर निशाना लगाना भी नहीं भूले। उन्होंने एसजीपीसी को बादल परिवार के कब्जे से निकालने के लिए जल्दी चुनाव कराने की मांग भी की। जथेदार रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने कहा कि एसजीपीसी के चुनाव जल्दी करवाने की मांग को लेकर अकाली दल टकसाली का एक प्रतिनिधिमंडल जल्दी ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। जथेदार रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने बादल परिवार पर एसजीपीसी को दोनों हाथों से लूटने के आरोप लगाए। जथेदार रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर सुल्तानपुर लोधी में स्टेज के निर्माण पर हुए 12 करोड़ के खर्च पर भी सवाल उठाए। उन्होंने स्टेज के निर्माण में घपले के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। जथेदार रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने कहा कि गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव पर हुए खर्च और संगतों द्वारा भेंट की गई रकम का हिसाब एसजीपीसी के प्रधान जथेदार गोविंद सिंह लोंगोवाल से मांगा जाएगा। जथेदार रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी पंजाब की जनता से विश्वासघात करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बरगाड़ी कांड के दोषियों को 4 सप्ताह में कानून के कटघरे में खड़ा करने का वायदा किया था, लेकिन कैप्टन अब अपने वादे से मुकर चुके हैं। जथेदार रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने कैप्टन सरकार पर नशे की रोकथाम में नाकाम रहने के आरोप भी लगाए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।